देश में जितने भी मुद्दे या घटनाएं होती हैं, हमें न्यूज मीडिया के माध्यम से ही पता चलती हैं, और उनमें ही कुछ गिने चुने मुद्दे पर डिबेट भी होती है। इनमें एंकर की भूमिका अधिक होती है। आज हम एंकर्स की पिछले हफ्ते की 5 डिबेट्स देखेंगे और जानेंगे उनके लिए कौन सा मुद्दा जरूरी था। पहले बात करेंगे एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहला, 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद का ऐलान। दूसरा, सरकार से किसानों के चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा। तीसरा, किसकी राय पर सरकार ने बनाए ये 3 कृषि कानून। चौथा, कृषि कानूनों पर भ्रम किसानों को या सरकार को। और पांचवा, कृषि कानूनों को लेकर क्यों अड़ी है सरकार। रवीश अक्सर अपने प्राइम टाइम में जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं, अहम जानकारियां भी जनता के साथ साझा करते हैं। इस बार उन्होंने किसानों के मुद्दे पर खुल के चर्चा की और जानकारी भी दी। आंदोलन करने वाले किसान कंफ्यूज हैं, कम्युनिकेशन गैप हो गया है। ऐसा कहने वाले आपको यह नहीं बताते कि यह कानून आया कैसे, कम्युनिकेशन गैप हुआ कैसे। सरकार ने किसानों को दिल्ली आखिर आने ही नहीं दिया। इस बीच ज्यादा से ज्यादा लोग भ्रम और कम्युनिकेशन गैप का शिकार होते जा रहे हैं और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। किसानों से पहले और भी कई लोग हैं जो सरकार के हिसाब से भ्रम का शिकार हो चुके थे। वन रैंक वन पेंशन के समय प्रधानमंत्री का यह बयान, कह रहे हैं कि कुछ लोग सैनिक बलों को गुमराह कर रहे हैं, यानी किसान से पहले सैनिकों को भी गुमराह किया जा चुका है। यह बयान नोटबंदी के समय का है, जिसमें पीएम कह रहे हैं कि नोटबंदी के बारे में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस बयान में पीएम कह रहे हैं कि देश को तोड़ने के लिए दलितों को गुमराह किया जा रहा है। अब एक और बयान में जीएसटी के बारे में कह रहे हैं कि विपक्ष देश में भ्रम फैला रहा है। अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहला, किसानों के महापंचायत में किसान बताएंगे क्यों मचा घमासान। दूसरा, नाराज किसानों को मना पाएगी सरकार। तीसरा, कोरोना वैक्सीन पर जल्द आने वाली है गुड न्यूज। चौथा, MSP पर सरकार नरम, क्या मानेंगे किसान। कृषि कानून पर किसानों को मना पाएगी सरकार। और पांचवा, कल किसानों से क्या बात करेगी सरकार, किसानी के कानून में बदलाव की गुंजाइश है। संदीप ने भी देश में चल रहे मुद्दा किसान आंदोलन पर बात की और इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता से सवाल भी किए। पंजाब के किसान है उनको, क्योंकि अपनी जो वादे किए थे कैप्टन साहब ने उससे पूरे नहीं कर पाए, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये पूरे नैरेटिव बिल्ड किया उन्होंने वहाँ पर। मैं एक यहाँ पर ना एक ट्वीट आपके सामने पढ़ना चाहूंगा RP से, ये मारकंडे काटजू, मैं इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन इनका ट्वीट आज बड़ा वायरल हो रहा है। जो ये लगातार बीजेपी की तरफ से नैरेटिव आ रहा है ना कि ये तो पंजाब के किसानों का है, ये पंजाब पंजाब क्यों खेला जा रहा है, किसान की सीधी बात क्यों नहीं की जा रही। संदीप, मेरा भी ट्वीट पढ़ ले जिसमें मैंने कहा कि देश पर गोली खाने वाले हमारे सिख हैं, उनको जो एंटी नेशनल कहेगा उसकी असम की तैसी। मैं कहता हूँ आप ही के सहयोगी कहते हैं ना, आपके सहयोगी कहते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि इनमें से कोई मैं नाम लेकर बोलूं जो मेरे कार्यक्रम में आकर ये बोले हैं, मुझे भी खालिस्तानी बताकर चले गए। अब बात करते हैं उस मीडिया की जिससे जनता असल मुद्दे यानी कि किसान, अर्थव्यवस्था, कोरोना जैसे मुद्दों पर बात करते हुए या डिबेट करते हुए देखना चाहती है। देखते हैं इन्होंने इन मुद्दों पर चर्चा की या नहीं। पहले बात करेंगे रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णब गोस्वामी की और जानेंगे उनके लिए कौन से मुद्दे जरूरी रहे। पहला, बीजेपी की एंट्री जोरदार, बदल गया हैदराबाद का भाग्य। दूसरा, अन्नदाता को कौन भड़का रहा है। तीसरा, फिल्म सिटी पर फसाद क्यों। चौथा, किसान अड़े, बैठक बेनतीजा। और पांचवा, रिपब्लिक से षड्यंत्र, फिर खंड खंड। वैसे तो अर्नब अपने डिबेट में काफी मुद्दे उठाते हैं, पर अर्नब ने भी किसानों के मुद्दे पर चर्चा तो की। आइए देखते हैं कि अर्नब क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिन से सड़क पर है, लेकिन अब उनकी समस्या के समाधान के लिए कमान खुद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है, क्योंकि देश को अब समस्या नहीं समाधान चाहिए। हमें तोड़फोड़ नहीं, किसानों का हित चाहिए। अब जहरीले भाषण नहीं, किसान की खुशहाली चाहिए। लेकिन देशवासियों, ये अर्बन नक्सली लोग नहीं चाहते कि समाधान निकले, ये शाहीन बाग पार्ट 2 चाहते हैं दोस्तों, ये टुकड़े टुकड़े गैंग
आंदोलन के नाम पर आगजनी चाहते हैं ये सरजील के समर्थक। अब बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार रमेश देवगन की और जानते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण के द्वार पर बीजेपी की दिहाड़, हैदराबाद में ओवैसी को बीजेपी की मार। दूसरा, संवाद से खत्म होगा विवाद, अन्नदाता परेशान, कहलेगा समाधान। तीसरा, फिल्म सिटी पर आर पार, मुंबई में सीएम योगी का मिशन, उद्धव ठाकरे को टेंशन। चौथा, मोदी सरकार का मिशन किसान, क्या किसानों संघ वार्ता से निकलेगा रास्ता। और पांचवा, किसानों से किसका छल, किसके भरम जाल में फंसे किसान। अमीश ने भी कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर भी ध्यान दिया। देखते हैं वह क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर। क्या 8 दिनों के जबरदस्त विवाद के बाद किसानों के साथ सरकार की बात आज बन जाएगी? क्योंकि इस वक्त सरकार और किसान नेताओं की बैठक चल रही है जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रेल और वाणिज्य मंत्री, सरकार के दिग्गज मंत्री पीयूष गोयल मौजूद है। राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींसा ने भी पद्मभूषण लौटाने का ऐलान कर दिया है। उधर राहुल गांधी ने कहा है कि काले कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार भारत और उसके किसानों के साथ विश्वासघात होगा। यानी एक तरफ किसान का विरोध है तो दूसरी तरफ सियासत भी चमकाई जा रही है, रोटियां भी सेकी जा रही हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि आज मैं आईना दिखाऊंगा उन लोगों को जो कई बार सियासत में भूल जाते हैं कि उनके वादे क्या है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो। तो अन्नदाता परेशान है, कैसे निकलेगा समाधान आज का आर पार। आपने अब खुद ही देख लिया कि कौन किन मुद्दों को आपके लिए जरूरी समझता है। गोदी मीडिया सवाल तो नहीं पूछता, ना ही अधिक जानकारी देता है, पर हम आप तक सही और ज्यादा जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।